आपने अप्रूव किया तो उसके ऊपर कोई फैसला ना ले, इट्स पॉसिबल कि वो हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद अबीर, योर टेक्निकल एनालिस्ट एट केएसबी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। मार्केट के मॉर्निंग एनालिसिस के साथ मैं हाजिर हूँ। प्रीवियस वीक हमने वर्किंग देखी, मार्केट स्ट्रेट वे मूव कर रही थी, साइडवेज मूव कर रही थी। 46,000 के आसपास ही मार्केट ने 45,900 पे ओपनिंग की थी और मार्केट ने क्लोजिंग भी हमें उसी लेवल पर दिखाई। इस वक्त बात कर लें तो 45,800 मार्केट अगेन 46,000 से बिलो ट्रेड कर रही है। और जिस तरीके की मैंने बता रहा है, मार्केट के अंदर कोई ऐसा कोई मेजर ट्रिगर नहीं है जो मार्केट को नीचे ला सके, जो एक तरीके से होता है कि मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर में आ जाए। बट कंसोलिडेशन है, मतलब मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग है, करेक्शन है, ऐसा ऐसा आवर्ली बेसिस पे मार्केट के अंदर वॉल्यूम भी थोड़ा सा कम है। सो उस हिसाब से देखा जाए, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मार्केट के अंदर कोई सेलिंग प्रेशर अगर होता, कोई ऐसी फंडामेंटल न्यूज़ होती, ऑब्वियसली कोई गवर्नमेंट लेवल पर कोई न्यूज़ होती या कोई ऐसी न्यूज़ होती जो मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी इंपैक्ट करती, तो मार्केट के अंदर मेजर सेल ऑफ हम देख सकते थे। राइट नाउ इट इज़ होवरिंग अराउंड 50 पॉइंट्स नेगेटिव, 100 पॉइंट्स नेगेटिव। इंटरडे अगर हम लो की हाई की बात करें, हाई भी बनाया और इंटरडे लो भी मार्केट ने दोनों टच किया, तो मार्केट अपने दोनों रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों के लिए तैयार है। अब देखना ही है कि वॉल्यूम के इंक्रीज़ होने पे मार्केट का डायरेक्शन कहाँ है, बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी तो हम देखेंगे कि आवर्टी बेसिस पे वो वॉल्यूम बायिंग की है या सेलिंग की है, तो उसी हिसाब से मार्केट के डायरेक्शन को लेके जाएंगी। अभी बात कर लें अगर कॉन्स्टिट्यूंट्स की, तो मिक्स सिचुएशन है। 33 कंपनीज के अंदर जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस है, 46 कंपनीज आर डाउन एंड 21 कंपनीज आर अनचेंज, जिनके अंदर वॉल्यूम इस वक्त जनरेट नहीं हो रहा। वीकली बेसिस पे लास्ट जो हमारे पास अराउंड क्लोजिंग आई 0.60% की क्लोजिंग थी, तो वो भी डिक्लाइन ऐसे हो रहा है। KMI 30 इंडेक्स की बात कर लें, सिमिलर सिचुएशन, तकरीबन इंटरडे हाई लो, इंटरडे हाई KMI 30 इंडेक्स ने नहीं बनाया, इंटरडे लो मार्केट ने तकरीबन 500 पॉइंट टेस्ट की नीचे डाउनलोड, और इस वक्त अगर हम देखें तो 380 पॉइंट के साथ KMI 30 इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। 7 कंपनीज हैं जिनके अंदर पॉजिटिव ट्रेंड है, 21 कंपनीज हैं जिनके अंदर जो मोमेंटम है वो प्रॉफिट टेकिंग वाला नज़र आ रहा है। सो उसी हिसाब से हम देख सकते हैं कि मार्केट की जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड है। हीट मैप की बात कर लें, जिस तरह ऑब्वियसली मैंने अपनी प्रीवियस एनालिसिस में भी आपको बताया कि मार्केट के अंदर जब ऐसी सिचुएशन आती है कि मार्केट डल हो जाती है, तो वॉल्यूम रेगुलर स्क्रिप्ट्स है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो स्क्रिप्ट्स बहुत ज़्यादा ओवर बॉट हो चुके होते हैं, उनसे निकल के वॉल्यूम जो है और बाइंग एंड सेलिंग इन्वेस्टमेंट मार्केट के उन शेयर्स में आ जाती है, इन स्क्रिप्ट्स में आ जाती है जो मार्केट के अंदर रेगुलर ट्रेड नहीं होते इन अ पॉजिटिव बुलिश मार्केट। तो हम देख सकते हैं कि WTL, वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम, उसके अलावा टेलीकार्ड, मीडिया टाइम्स, टेक्सटाइल कंपोजिट, अगेन टेक्सटाइल का जो मोमेंटम है वो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है इस वक्त। और बाकी अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर हमें सेलिंग नज़र आ रही है, ऑब्वियसली टेक्सटाइल स्पिनिंग में हेरा टेक्सटाइल अगेन इट इज़ वर्किंग पॉजिटिव। बाकी जिस तरह मैकपैक फिल्म्स की अगर हम बात करें, तो ऑब्वियसली KSB क्लाइंट्स को इसका सजेशन मिला होगा ऑन टाइम, और मैक पर फिल्म जो है वो भी अच्छी वर्किंग रहा है। तो ओवरऑल वॉल्यूम इस वक्त उन स्क्रिप्ट में है जो मार्केट के अंदर रेगुलर ट्रेड नहीं होते। टेक्निकली बात कर लें, अगेन सिचुएशन वही है, साइडवेज मूवमेंट है बहुत ज़्यादा, ना डाउनवर्ड मोमेंटम है ना बुलिश मोमेंटम है, और यही मूवमेंट एक्सपेक्टेड है अनलेस एंड अनटिल मार्केट 45,600 को टच नहीं करती, बिकॉज वो उसका पिवट पॉइंट है। वहाँ से पता चलेगा कि मार्केट दोबारा ऊपर जाती है या फिर नीचे आ जाती है। डायरेक्शन की बात कर लें तो इस वक्त आवर्टी बेसिस पे डायरेक्शन अभी भी हमारे पास अब जाके लोअर हाफ में बनना शायद शुरू हो जाए। हिस्टोग्राम हमारे पास कंटिन्यूटी दिखा रहा है डाउनवर्ड मोमेंटम की। इंडेक्स की रेटिंग की बात कर लें, हाउएवर जिस तरह मैंने आपको बताया कि इंडेक्स बहुत ज़्यादा जब ओवरबॉट हो जाता है, तो उसी तरह इंडेक्स ओवरबॉट होने के बाद जब इंडेक्स ओवरसोल्ड हो जाएगा, तो मार्केट के अंदर आवर्ली बेसिस पे दोबारा पॉजिटिव जो है वो बाइंग आएगी, और मार्केट इसी तरह पॉजिटिव जो है वो फिर दोबारा हो सकती है। तो आवर्ली बेसिस पर अगर नज़र डालें, सो मार्केट इज़ अराउंड 40% लेवल, और इंडिकेशन अगेन वही है, प्रिडिक्शन वही है कि मार्केट का जो ओवरबॉट सिनेरियो, उसको ओवरसोल्ड सिनेरियो आवर्ली बेसिस पे होना लाजमी है। KMI 30 इंडेक्स की बात कर लें, सिमिलर सिचुएशन, जिस तरह मैंने बताया था कि टेक्निकल इंडिकेटर्स को यूज़ करते हुए मार्केट के ट्रेंड को देखते हैं, तो 20 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज से मार्केट नीचे ट्रेड करी, विच इंडिकेट्स के मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, टेस्ट कर रही है अपना जो सपोर्ट लेवल है ट्रेंड एट 72,500 तक मार्केट जा सकती है अगर सेलिंग जो है वो कंटिन्यूशन होती है। इफ़ यू आर KSB क्लाइंट, अगेन मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि अगेन क्रेडिट टू कैपिटल स्टेक जो ये प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करते हैं, और उसमें सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है जो कि आप यूज़ करके अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन और एंट्रेंस एग्जिट आप कर सकते हैं। इस वक्त इंडेक्सेस की बात कर लें तो KMI 30 इंडेक्स, KSE 100 इंडेक्स की सपोर्ट, जो फर्स्ट सपोर्ट है 45,800, 45,600 उसको तोड़ती है, 45,500 जिसकी मैंने अभी आपसे बात करी है। सो
सारे ऑप्शंस का यूज़ करें और मार्केट में उसी हिसाब से जो अपने डाइवर्सिफाई करें। और इस वक्त मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कोई बुलिश मोमेंटम नहीं है, मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, बट मार्केट साइडवेज मूव करी विच निगेट्स के मार्केट आवर्ली बेसिस पे कंसोलिडेट हो रही है, करेक्शन ले रही है 200-300 पॉइंट्स की, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ी बहुत जो एडजस्ट हो जाएगी, प्राइसेस भी थोड़ी नीचे आ जाएंगी स्क्रिप्ट की, और फिर दोबारा मार्केट का जो बुलिश ट्रेंड है वो हमें जाता हुआ नज़र आता है अबव 46,000 इंडेक्स पॉइंट्स वंस इट डज क्लोजेस एट 46,600 इंडेक्स पॉइंट्स। सो दिस वॉज अ मॉर्निंग एनालिसिस। रेगुलर ट्रेड इस वक्त मार्केट के अंदर थोड़ा कम है, सो शार्पली ट्रेड करें, एग्जिट्स कोशिश करें, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें, और अच्छे स्क्रिप्ट्स में जो है जिनका लॉन्ग टर्म फंडामेंटल हमें पता है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आने, उनको अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखें विदाउट एनी टेंशन। अगर वो माइनस में भी हैं तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, नीचे नीचे की प्राइसेस पे कोशिश करें कि थोड़ा बहुत और एक्यूमुलेट कर लें ताकि एवरेज प्राइस आपकी जो है वो नीचे आ जाए, मार्केट बुलिश होगी तो आपके वो प्रॉफिटेबल गेन्स इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। सो दिस वाज मॉर्निंग एनालिसिस, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अपने रेगुलर एनालिसिस के साथ। दिस इज मोहम्मद अबी साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।